फ्रेंड्स, क्या आप लोग अपने पंखे से परेशान हैं? आपका पंखा स्लो चल रहा है? तो फ्रेंड्स, कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका पंखा अगर स्लो चल रहा है तो उसकी स्पीड को कैसे आप बढ़ाएंगे। तो आज हम यही सीखेंगे कि फैन की स्पीड को किस तरीके से बढ़ाया जाता है और फैन की स्पीड कम होने के क्या क्या रीज़न होते हैं, वो क्यों स्लो हो जाता है, ये सारी बातें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया और वैल्यूएबल होने वाली है आप लोगों के लिए, तो फ्रेंड्स बने रहिए लास्ट तक। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आपकी लाइफ को और अच्छा रखने के लिए चलते हैं ट्रिक्स की दुनिया में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को दिख रहा है, फैन बहुत स्लो चल रहा है, तो आज हम इसकी स्पीड को बढ़ाएंगे और किस तरीके से बढ़ाते हैं स्पीड में, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको वो रीजंस बताने वाला हूँ जिस रीजन से ये फैन आपका स्लो चलता है, आप खुद घर पे ये सारा काम कर पाएंगे। ये देखिए, ये पूरा फुल पे है अभी। ओके, फुल पे होने के बाद भी ये स्लो चल रहा है। और ये फैन है आपका, तो इस तरीके से ये फैन स्लो चल रहा है। तो ये फैन का बटन बंद कर देना है और इस रेगुलेटर को भी हमें बंद कर देना है। ठीक है, ये इसको हम बंद कर दिए। बंद करने का पर्पज ये है फ्रेंड्स कि यहां से अगर मान लो आपका ये वाला बटन अगर फेज में नहीं होगा तो वहां तब भी करंट आएगा, हो सकता है फेज इसमें लगा रखा हो, तो इसको भी हमने बंद कर दिया है ताकि वहां किसी प्रकार का कोई करंट ना पहुंचे और हम आराम से वहां पर काम कर सकें। तो फ्रेंड्स, दोनों ऑफ पोजीशन में है अभी। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे फैन के पास में और देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको दिख रहा है, फैन के पास आ चुके हैं, कनेक्शन आपको दिख रहे हैं। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि ये जो कनेक्शन आपको दिख रहे हैं, ये वाले, इन कनेक्शनों का हमें फोटो ले लेना है ताकि हम भूले नहीं कि कौन सा कनेक्शन कहाँ लगा हुआ था। अगर आप भूल जाएंगे तो क्या होगा कि इसके कनेक्शन उल्टे हो जाएंगे और फैन उल्टा घूमने लग जाएगा और हवा ऊपर की तरफ लगने लग जाएगी। तो ये देखिए, पहले हम इसका एक फोटो क्लिक कर रहे हैं। ओके, इस फोटो को रख लेंगे, जब दोबारा कनेक्शन करेंगे तो तब काम आएगा। तो खोलने से पहले वैसे दिमाग में भी हम सोच सकते हैं कि देखिए, रेड वाला नीचे लगा हुआ है और ब्राउन वाला ऊपर लगा हुआ है और दो वाइट वाले साथ में लगे हुए हैं जो कि इस कंडेंसर के हैं। ठीक है, तो ये देखिए, कंडेंसर मैंने यहाँ से निकाल दिया है। और दूसरा काम हमें क्या करना है कि चेक कर लेना है कहीं करंट तो नहीं आ रहा है। तो आपको दिख रहा है इसमें करंट नहीं है कहीं भी, सब जगह चेक कर लिया है हमने, कहीं करंट नहीं आ रहा है। ओके, इसका मतलब अब सेफ है, ये हम काम कर सकते हैं। अब क्या है कि फ्रेंड्स, आप लोगों को थोड़ा कनेक्शन कम दिख रहा होगा, इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको खोल लेता हूँ तो मुझे ये वाले वायर लगाने में आसानी होगी और निकालने में भी आसानी होगी और आप लोगों को भी होगी। तो ये देखिए, एक साइड में एक स्क्रू लगा हुआ होता है, इसको हम खोल लेंगे। ये इसको खोल लिया है, खोल के संभाल के रख लेंगे, दोबारा भी लगाना है हमें। और ये पूरा का पूरा बाहर निकाल लेंगे। तो अब आपको कनेक्शन क्लियर दिख रहे होंगे इसमें, देखिए। अब हमें क्या करना है, हमें मेनली ये वाला कंडेंसर के जहां जहां कनेक्शन है ये खोलने हैं। तो आपको दिख रहा होगा एक रेड में है और एक ब्राउन में है, तो रेड वाला नीचे है, ब्राउन वाला ऊपर है। तो इसको हम यहाँ से ऐसे करके खोल लेंगे तो आपके ये कनेक्शन खुल गए हैं। ठीक है, और नीचे वाला भी ऐसे ही खोल लेना है हमें। पावर नहीं आ रही है, फिर भी तार से हमें दूर ही रहना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कंडेंसर आपका खुल चुका है। ओके, अभी कंडेंसर क्यों खोला है मैंने, मैं आपको ये भी बताऊंगा। पहले मैं बता देता हूं कि ये इसकी स्पीड कम क्यों हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला फैक्टर है कि इसकी स्पीड कम होने का कारण है कि हमारे घर में जो वोल्टेज आ रहे हैं वो हो सकता है 220 से कम आ रहे हो, 180 आ रहे होंगे, 150 आ रहे होंगे, तब भी आपका स्लो घूमेगा। तो एक रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है फ्रेंड्स कि आपके इसके अंदर की जो बेयरिंग लगी हुई है, हो सकता है वो बेयरिंग जाम हो, उसकी वजह से जाम चल रहा हो। ठीक है, दो रीजन्स हो गए।
और तीसरा जो फाइनल रीजन है फ्रेंड्स वो ये होता है, जो कि मेनली मैक्सिमम पंखों में यही कारण निकलता है कि इसकी जो स्पीड होती है वो स्लो होती है। तो इसकी स्पीड का क्या होता है कि ये कैपेसिटर काफी दिन तक चलता रहता है तो ये वीक हो जाता है, और वीक होने की वजह से ये खराब हो जाता है और हमारा फैन स्लो चलने लग जाता है। तो आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स मैक्सिमम पंखों में 2.25 माइक्रोफेरेड का ही लगा हुआ होता है, और ये हैवेल्स कंपनी का फैन है। हैवेल्स कंपनी का फैन है फ्रेंड्स ये, और हैवेल्स कंपनी का ही कैपेसिटर लगा हुआ है, लेकिन मेरे को लिए हुए 2 साल हो चुके हैं। तो 2 साल में इसका ये वाला जो कंडेंसर है ये वीक हो चुका है, क्योंकि हमारे यहाँ वोल्टेज मैंने चेक कर लिया है वो प्रॉपर है, और ये बेयरिंग की आवाज भी कोई नहीं है, ठीक है, तो बेयरिंग भी ठीक है। तो फ्रेंड्स हमें हमारा फैन ठीक रहे उसके लिए क्या करना चाहिए, मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमें हमारे फैन की स्पीड तो कैसे फ्रेंड्स अभी बढ़ानी। हमने ये वाला कैपेसिटर निकाला है, अब उसको चेक कैसे करना है कि वो खराब है या कि सही है। तो देखिए हमें क्या करना है, ऐसा जो हमारे घर में सॉकेट होता है उस सॉकेट को ऑन रखना है। ऑन रखने के बाद में बहुत सावधानी से, तो हमें क्या करना है कि इन दोनों वायरों को उसमें सॉकेट में डाल देना है। देखिए ये एक डाल दिया मैंने और ये दूसरा डाल दिया है, ठीक है। डालने के बाद बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ शॉर्ट करके, देखिए ये इतना हल्का स्पार्क आया है। अब ये देख लेते हैं सही वाला जो कैपेसिटर है इसमें कितना स्पार्क आया। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए मैं दोबारा डाल रहा हूँ उसको उसमें, ठीक है, ये डाला मैंने इसमें, ओके। और इसके बाद बाहर निकाल के और ये हम इसका स्पार्क करेंगे। आपको दिखा इसमें ज़्यादा स्पार्क है। अब जो हमने निकाला है उसको देख लेते हैं दोबारा से, ये देखिए इसको भी डाला मैंने इसमें, ओके। और फिर उसके बाद में देखिए ये स्पार्क ही नहीं आया, ये खराब हुआ है इसलिए स्पार्क नहीं आ रहा है। दोबारा डाल के देखते हैं एक बार, और दोनों वायरों को डालना है, ओके। डालने के बाद में इन दोनों को आपस में शॉर्ट करना है। तो आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स शॉर्ट करने से इसमें बहुत ज़्यादा स्पार्क नहीं आ रहा है, ठीक और है। ये ये जो सही वाला था इसमें ज़्यादा स्पार्क है, तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने देखा कि जो हमारा पुराना वाला था इसमें स्पार्क कम आ रहा है, यानी कि ये वीक हो चुका है और ये ओके है। तो इसको हम लगाते हैं वहाँ पर और फिर देखते हैं कि कंडेंसर्स लगाने से हमारा स्पीड बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। तो फ्रेंड्स देखिए आप जो हमारा वो वाला था वो भी 2.5 का था, ये भी 2.5 का है, लेकिन ये ठीक है और मैं इसको अब लगा रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो लगाने से पहले जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने दिखाया था और आपको कनेक्शन भी दिख रहे होंगे, तो रेड वाला कनेक्शन तो नीचे था फ्रेंड्स, और जो ब्राउन वाला है ये बीच में था। इस कैपेसिटर के जो वायर हैं इसको चाहे आप रेड में कर दो और या ब्राउन में कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस एक एक वायर को हम ब्राउन में जोड़ लेंगे और दूसरे वाले को रेड में। उसके बाद में जो ब्राउन वाला है वो हमारा बीच में लगा हुआ था, तो हमें क्या करना है कि बीच में लगा देना है, लेकिन थोड़ा सा स्क्रू खोलना पड़ेगा। ये स्क्रू खोल दिया है और ये मैंने ब्राउन वाला ऊपर लगा दिया है जैसा कि पहले लगा हुआ था। ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, कनेक्शन आ रहे हैं, मैंने पहले फोटो ले लिए थे। उसके बाद जो ये दूसरा कनेक्शन है आपका रेड वाला, ये नीचे लगा हुआ था, ऐसे करके हम देख लेंगे, ठीक है। देखिए अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रू थोड़ा कम खुला हुआ है, इसको पूरा खोल लेंगे। खोलने से क्या होता है फ्रेंड्स, परेशान नहीं होंगे आप, इजी गोइंग आपका, देखिए ये आराम से इसमें ये लग जाएगा, ओके। देखिए ये इजी गोइंग अंदर चला गया है और इसको हम टाइट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इसको अच्छी तरीके से टाइट कर देना है, ठीक है, और इस वाले को भी टाइट कर दिया हमने और इस वाले को भी कर दिया, तो सारे कनेक्शन हमारे टाइट हो चुके हैं। उसके बाद अब हमें क्या करना है कि जैसा ये पहले लग रहा था इसको वैसे ही हमें फिट कर देना है। ये कहाँ लग रहा था फ्रेंड्स, ये यहाँ पे देखिए ये होल था जो यहाँ पर, यहीं पे हम इसको दोबारा से लगा देंगे। तो ये इसका स्क्रू है और इसके होल में डाल करके इसको हम यहाँ पर इस तरीके से हम देख लेंगे इसको, ठीक है, और इस तरीके से इसको हम लगा देंगे, ओके। तो
अब इस कैपेसिटर को इसकी जगह पर लगा के छोड़ देंगे, ठीक है, ये लग चुका है, ओके। और फ्रेंड्स ध्यान देने वाली बात ये होती है कि देखिए यहाँ पर जो शाफ्ट लगी हुई है इसके नीचे एक बेयरिंग होती है, तो हमें इसमें महीने दो महीने में हल्की सी 2 बूंद ऑयल की डाल देनी चाहिए ताकि हमारी बेयरिंग जाम नहीं हो, और आपकी बेयरिंग अगर जाम नहीं होगी तो वो ख़राब भी नहीं होगी। तो और उसके इसके अंदर डस्ट नहीं जानी चाहिए, उसके लिए कंपनी ये दे के रखती है, तो इसको हमें पूरा इसके नीचे इस तरीके से रखना चाहिए, ठीक है, ताकि यहाँ पर डस्ट ना जाए, जो भी डस्ट आएगी वो ऐसे करके ऐसे यहाँ पे गिरेगी, अंदर नहीं जाएगी, ठीक है। और ऊपर वाला तो ऐसे ही रहता, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो चुका है फ्रेंड्स, अब हम चला के देखते हैं हमारे फैन की स्पीड बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। तो फ्रेंड्स ये हम बोर्ड पे आ चुके हैं, अब देखिए आप हमने क्या किया था, फैन का बटन बंद कर दिया था, तो सबसे पहले फैन का बटन चालू कर देंगे और इसको हम 4 पे कर देंगे, ठीक है, ये 4 पे कर दिया है। और अब आपको ये दिख रहा होगा, ये देखिए पहले से बहुत ज्यादा स्पीड हो चुकी है, ठीक है, पहले स्लो घूम रहा था, अभी बहुत ज्यादा स्पीड हो चुकी है इसकी। रीजन सिर्फ एक ही था, हमारा जो कैपेसिटर था वो वीक हो गया था। तो फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो चुकी है। फ्रेंड्स देखा हमने आसान तरीके से हमारे फैन की स्पीड बढ़ाई है, इसको हर एक इंसान कर सकता है, ठीक है, थोड़ा सा नॉलेज अगर आप देख लोगे इस वीडियो को इजी गोइंग आप कर सकते हो। पहला तो ये है कि अगर आपके घर में वोल्टेज डाउन आ रहे हैं तो आपका फैन 100% कम चलेगा, स्लो चलेगा, इसका ये मतलब नहीं है कि फैन में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो पहला ये इंश्योर कर लीजिए आपके आपके वोल्टेज सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सेकेंड रीजन ये है फ्रेंड्स कि अगर आपके फैन में जो बेयरिंग लगी हुई है अगर वो जाम होगी तो भी आपका पंखा स्लो चलेगा, और सारा लोड कहाँ पर आएगा, आपकी वाइंडिंग्स पे आएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इस तरह की वाइंडिंग इसके अंदर होती है, और जब ये स्लो चलेगा फ्रेंड्स तो उसकी वाइंडिंग पे लोड आएगा और वाइंडिंग गर्म होकर के खराब हो जाएगी और वो बाद में भी आपकी स्लो चलेगी। तो फ्रेंड्स बेयरिंग जाम ना हो उसके लिए हमें क्या करना है फ्रेंड्स, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है हमें इस तरीके से महीने दो महीने में उसकी ऑयलिंग जरूर करनी चाहिए, ठीक है, जिस तरीके से आपको दिख रहा है यहाँ पे फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको क्या करना है फ्रेंड्स कि पंखे में 1-2 बूंद ऑयल की महीने दो महीने में डाल देनी है, उससे आपका जो बेयरिंग है वो जाम नहीं होगा। दूसरी बात फ्रेंड्स कि उसके ऊपर का जो कवर होता है, जैसे कि आपको दिख रहा है ये वाला जो कवर होता है फ्रेंड्स, ये वाला कवर हमेशा लगा हुआ होना चाहिए ताकि धूल मिट्टी आएगी तो डायरेक्टली बेयरिंग पे नहीं जाएगी और आपकी बेयरिंग जाम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स ये 2 रीजन हो चुके हैं हमारे हमारे फैन की स्पीड स्लो होने की। एंड फाइनली जो होता है मैक्सिमम टाइम फ्रेंड्स यही मिलेगा आपको कि आपका जो कैपेसिटर लगा हुआ है जिस तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये वाला जो कैपेसिटर वीक हो जाता है और इसको वीक होने की वजह से आपका फैन स्लो चलता है, जैसा कि मैंने आपको अभी करके दिखाया। मैंने जैसे ही इसका कैपेसिटर चेंज किया और इसकी स्पीड बढ़ गई, और कैपेसिटर सही है या खराब है वो भी मैंने आपको चेक करना बताया, अगर स्पार्क कम आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर स्पार्क कम आ रहा है या नहीं आ रहा है तो आपका कैपेसिटर खराब हो चुका है या वीक हो चुका है, और जिसमें स्पार्क सही आ रहा है तेज आ रहा है इसका मतलब वो ठीक है, आप उसको लगा सकते हैं, उसको लगाने के बाद आपकी स्पीड तेज हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये रीजन थे हमारे फैन की स्पीड के स्लो होने के। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं फ्रेंड्स कि हमें कौन सा कैपेसिटर, कितनी वैल्यू का कैपेसिटर हमें लगाना चाहिए, तो उसके लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो को आपको देखना होगा जो कि बहुत जल्दी ही मेरे चैनल पर अपलोड हो जाएगी, तो आप उसको जरूर देखें, तो आपको उससे आइडिया लगेगा कि आपको कौन सा कैपेसिटर लगाना चाहिए हमारे फैन में। तो फ्रेंड्स जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।